आज हम ड्यूलिस्ट फॉर्म के बारे में सीखेंगे। इसको हम कैलेंडर के चित्र के द्वारा पहचान सकते हैं। इसमें गर्भवती महिलाओं की टीटी टीकाकरण वो एएनसी मुलाकात दिखाती है और बच्चों के टीकाकरण की सूची दिखाती है। ड्यूलिस्ट में हम आने वाली वीएचएनडी के अनुसार गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जानकारी देख सकते हैं और हम हो चुके टीकाकरण व अन्य कार्यों की जानकारी इसमें भर सकते हैं। इस चित्र को छूने पर आपको कुछ विकल्प दिखेंगे। आप वीएचएनडी की तारीख के अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं। जैसे यदि आपका वीएचएनडी 2 दिन बाद है तो 2 दिन बाद को चुनेंगे। यदि आपका वीएचएनडी आज है और आपको अपने किए हुए कार्यों को दर्ज करना है तो वीएचएनडी आज चुनें। यदि आपको सभी कार्य देखने हैं तो सबसे नीचे वाले विकल्प को चुनेंगे। विकल्प चुनने के बाद आपके सामने सूची आएगी जिसमें वह महिलाएं और बच्चे होंगे जिन्हें उस दिन तक की किसी एएनसी मुलाकात या टीकाकरण की जरूरत है। इस सूची में आप किसी के नाम के ऊपर छू सकते हैं जिससे उसकी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। स्क्रीन आगे खिसकाने पर यह दिख जाएगा कि कौन से कार्य होने बाकी हैं। जैसे अमीना अली की दूसरी एएनसी मुलाकात और पहली टीटी टीकाकरण बाकी दिख रहा है और आगे खिसकाने पर हो चुके सारे कार्य दिख जाएंगे। वीएचएनडी से पहले आप यह सूची देखकर लोगों को आने के लिए सूचित और प्रोत्साहित करें। वीएचएनडी के दौरान या उसके तुरंत बाद आपको जानकारी भरनी होगी। आप सूची में से आज या कल था चुनें। चयन के बाद जिसकी जानकारी भरनी है उसके नाम पर छुएं। नाम को आप टाइप करके भी ला सकते हैं। नाम को छूने पर उनकी जानकारी आ जाएगी। आगे खिसकाकर आप होने वाले और हो चुके कार्य को देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर सुहेल नाम के बच्चे की जानकारी दिख रही है। आप सुहेल के बचे हुए टीकों की जानकारी और उसे दिए गए टीकों की जानकारी उनकी तारीख के साथ देख सकते हैं। आगे बढ़ने वाले तीर को छुएंगे तो जानकारी भरने के लिए फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में वही एनसी मुलाकात या टीकाकरण आएंगे जो बाकी है। सुहेल के फॉर्म में उसके बचे हुए टीकाकरण के बारे में ही सवाल आए। टीकों की सही तारीख की पुष्टि करने के लिए आप हाँ या ना का विकल्प चुन सकते हैं। फॉर्म में टीकाकरण की तारीख आज की दर्ज होगी यदि आपने आज चुना था, या गुजरे हुए दिन की तारीख होगी यदि आपने कल था चुना। जब फॉर्म समाप्त हो जाएगा तो सही का निशान आ जाएगा। फॉर्म को सुरक्षित करने के लिए तीर को छुए और फॉर्म सुरक्षित हो जाएगा। यदि आप वीएचएनडी के एक या उससे ज्यादा दिन बाद टीकाकरण की जानकारी भरना चाहते हैं तो सभी कार्य देखें और अध्यतन इतिहास का विकल्प चुनें। अब जिसकी जानकारी भरनी है उसके नाम पर छुएं। टीकों का रिकॉर्ड खोलें। टीकों का रिकॉर्ड खोलने पर आपसे उन टीकों को चुनने के लिए बोलेगा जिनमें आप बदलाव करना चाहते हैं। टीकों में बदलाव करने के बाद आप उन टीकों की तिथि में बदलाव कर सकते हैं। फॉर्म खत्म होने पर उसे सुरक्षित करें। अगर आपको इस फॉर्म के बाद